भारतीय कॉमर्स पार्टी के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग चैप्टर नंबर 6 जिसका नाम है एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट एंड फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ कंपनी। इस यूनिट के अंदर प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जो लास्ट ईयर के एग्जाम्स में पूछे गए हैं उन क्वेश्चंस के बारे में डिस्कशन कर रहे थे। तो आज ये देखते हैं इस चैप्टर में कि ये चैप्टर कितने मार्क्स का था। ये चैप्टर टोटल हमारे एग्जाम में 18 मार्क्स का आएगा। 1 मार्क्स के 3 क्वेश्चन, 2 मार्क्स के 3 क्वेश्चन, 2 मार्क्स के 3 क्वेश्चन और 4 मार्क्स का 1 क्वेश्चन और 5 मार्क्स का 1 क्वेश्चन, ये टोटल इस चैप्टर से पूछे जाएंगे। तो टोटल मिला के 18 मार्क्स का ये चैप्टर आपका वेटेज रखता है। तो इस चैप्टर में जो पहला क्वेश्चन जो इंपॉर्टेंट है लास्ट ईयर एग्जाम में आया है वो है राइट द मीनिंग ऑफ एनालाइजिंग ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। दूसरा, राइट द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। तीसरा, राइट द यूटिलिटीज और इंपॉर्टेंस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। राइट द नेम्स ऑफ 5 टेंजिबल एसेट्स एंड 5 इनटेंजिबल एसेट्स रिटन इन द सब हेडिंग ऑफ फिक्स एसेट्स ऑफ बैलेंस शीट ऑफ कंपनी अंडर शेड्यूल 3। देखिए यहाँ पे कई बार आपको एसेट्स के नाम दे दिए जाएंगे या लाइबिलिटीज के नाम दे दिए जाएंगे। आपको पूछा जाएगा कि वो एसेट किस हेडिंग के अंदर आएगी या किस वो लाइबिलिटी पर्टिकुलर लाइबिलिटी किस लाइबिलिटी के अंदर आएगी, या फिर आपको 5 एसेट्स और 5 लाइबिलिटीज के नाम पूछ लिए जाएंगे। तो आपको बैलेंस शीट जो कंपनी की शेड्यूल 3 के अंदर दी गई है उसमें पूरी बैलेंस शीट को बहुत अच्छे से प्रिपेयर करके जाना है ताकि आपसे उससे कुछ भी पूछे वो आपसे बन जाए। ये क्वेश्चन हर बार एग्जाम में रिपीट हुआ है। कहीं हेडिंग्स पूछी गई हैं, कभी सीधे सीधे टॉपिक एसेट्स का या लाइबिलिटीज का नाम दिया गया है, उसकी हेडिंग और सब हेडिंग पूछी गई है। तो आप प्लीज़ इसको अच्छे से प्रिपेयर करके जाइएगा। विच आइटम्स आर इंक्लूडेड इन द करंट एसेट्स, फिर से देखो इसी के अंदर आ गया ये क्वेश्चन। व्हाट इज वर्किंग कैपिटल, एक्सप्लेन द डिफरेंट टूल्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट और फाइनेंशियल एनालिसिस। हाउ वुड यू फाइंड आउट द कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड को कैसे कैलकुलेट किया जाएगा। व्हाट इज एवरेज कलेक्शन पीरियड, व्हाट इज मीन्ड बाय एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। राइट द एलिमेंट्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, राइट एनी 8 फैक्ट्स फॉर प्रिपरेशन ऑफ बैलेंस शीट। ये वो सारे क्वेश्चन हैं। और एक और है 13th, नेम 4 सोर्सेज फ्रॉम विच फंड्स आर ऑब्टेन्ड बाय बिजनेस, व्हाट इज नॉन कैश आइटम। ये सारे क्वेश्चन आपके प्रीवियस ईयर एग्जाम्स में पूछे गए हैं। तो ज़्यादा क्वेश्चंस नहीं है इसमें से, मैक्सिमम क्वेश्चन एक जैसे ही हैं। बिल्कुल आपको इन्हीं क्वेश्चंस को अच्छे से प्रिपेयर करके जाना है तो मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी है कि आपके एग्जाम्स में ये क्वेश्चंस आ सकते हैं। तो प्लीज़ इनको अच्छे से प्रिपेयर करके जाइएगा। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग यूनिट नंबर 7 लास्ट यूनिट है उसके बारे में इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। तब तक प्लीज़ इन लेक्चर्स को सबके साथ शेयर करिए जिनको इनसे हेल्प मिल सके। थैंक यू सो मच।